अलीपुर थाने के अंदर आम आदमी पार्टी के जो प्रदर्शनकारी जिन्हें डिटेन किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सौरभ भारद्वाज हैं। यहाँ पर ये सौरभ भारद्वाज हैं स्काई ब्लू शर्ट में। मेरा रंग दे बसंती चोला गाया जा रहा है। एक बार फिर से आप देखें अलीपुर थाने के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारी। मेरा रंग दे बसंती चोला गाया जा रहा है। अब जितने भी देश के बड़े पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं एक-एक करके आपको सुनाते हैं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मनोज सोरठिया और जितने भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उन्हें एक बार अब आप लाइव सुनिए। जो शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी, उसी तरह से केजरीवाल ने जांच एजेंसियों को 9 बार जो है गालियां दी, असहयोग किया, ऐसे में उनको गिरफ्तार करना या सारे विपक्ष को खत्म करने की एक पूरी साजिश उन लोगों ने रची है। ईडी जो है वो एक एक्सटोर्शन एजेंसी बन के रह गई है। ईडी के सारे जो भी मामले हैं वो सारे फर्जी है। केजरीवाल के भ्रष्टाचार का यही अंत होना निश्चित था और ये केवल शुरुआत है। अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग ने दिल्ली में जो भी अत्याचार और भ्रष्टाचार किए हैं सबका हिसाब होना सुनिश्चित है। हद कर दी आपने। आखिर ये लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा? विपक्ष मुक्त भारत बनाने का प्रयास हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। सिसोदिया साहब से तार कविता होके फिर आके केजरीवाल जी तक रुक गया, तो केजरीवाल जी का गिरफ्तार होना मुझे लगता है समय का ही बात था। बस समय आ गया, गिरफ्तार हो गया। जो इनकी नीतियों का मुखर होकर के विरोध करता है उनको एजेंसियों के माध्यम से पहले डराने का काम करते हैं, जब इनके साथ वो नहीं जाते हैं तो उनको एजेंसियों के इस्तेमाल से गिरफ्तार करवाने का काम करते हैं। इनकी जो भी मंत्री पहले रहे जो घोटाले के साझेदार हैं, सबसे बड़ा किंग पिन उसका यही है। तो इसको पता है कि पता था कि गिरफ्तार होना ही है, तो इसलिए ये भागने का प्रयास कर रहा था। ये लोकतंत्र की हत्या है। अरविंद केजरीवाल जी अगर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दें तो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। देश भर के बड़े पॉलिटिकल रिएक्शंस आप सुन रहे थे।